अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ की पॉइंट्स और एमसीक्यूज डिस्कस। तो सबसे पहले आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी एल है, आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर भी एल है, तो फिर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई। और अगर आपकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपके पास, इसे कहते हैं टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसे कहते हैं टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आप देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर आपके पास फंक्शन कोई कॉन्स्टेंट है और आप उसके ऊपर कोई लिमिट लगाते हैं तो फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन की लिमिट का आंसर भी कॉन्स्टेंट ही होता है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको साथ एग्जांपल भी दे दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और आगे फंक्शन की जगह आपके पास लिखा हुआ 10। यानी कि फंक्शन अब आप देख सकते हो आपका कांस्टेंट आ रहा है 10। तो जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट तो आपने x की जगह पर लगानी है 2। अब जब आपके पास x ही नहीं है तो 2 आप कहाँ लगाओगे, तो इसकी लिमिट का आंसर आपके पास ये 10 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n और इसके ऊपर आप लिमिट लगाते हो x अप्रोचेस टू a, तो x की जगह पर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह पर a लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर n। इफ द फंक्शन हैज अ लिमिट एज x अप्रोचेस टू a एंड c इज रियल। अगर आपकी लिमिट जो है वो x अप्रोच कर रहा है a को और c आपके पास कोई भी रियल कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी एफ ऑफ एक्स पे अगर आप लिमिट लगाओ तो कांस्टेंट आपका लिमिट से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये चीजें आप पहले कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके पास एक की पॉइंट्स आपके पास, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद करने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका कॉन्स्टेंट आपकी लिमिट से बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x। इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ जाते हैं कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को तो नीचे आंसर दिया होगा 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए, चाहे वो प्लस का इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस का इन्फिनिटी हो, आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x आंसर 0। अगर प्लस इन्फिनिटी है तो भी आंसर 0, माइनस इन्फिनिटी है तो भी आंसर 0। ठीक है, इफ द वैल्यूज ऑफ एफ इंक्रीजेस विदाउट बाउंड्स, अगर एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है आपके पास, यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो बढ़ती जा रही है एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, चाहे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है चाहे एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर आपके फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फिर एक्स आपका चाहे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो चाहे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, अगर लिमिट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो आप देखते हो पहले आंसर 50 आता है, फिर 500 आता है, फिर 5000 आता है और आप कहते हो कि ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर यही बात की है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनिटी को करती है या प्लस इन्फिनिटी को करती है, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फिर इसका मतलब उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है चाहे एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है चाहे माइनस इन्फिनिटी को, अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो प्लस इन्फिनिटी आंसर आएगा, अगर कम होती जा रही है तो आपके पास आंसर्स माइनस इन्फिनिटी आएंगे, चाहे प्लस इन्फिनिटी को एक्स अप्रोच कर रहा है चाहे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी कब होगा, जब एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर एन का आंसर प्लस इन्फिनिटी है व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि यहां आप कोई पॉजिटिव पावर लेते हो और आप लिमिट अप्लाई करते हो एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, उसकी पॉजिटिव पावर लेते हो तो आंसर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी तब होगा जब एन आपके पास कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, और आंसर प्लस इन्फिनिटी तब होगा जब एन आपके पास कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। ये इसने क्या कहा है इसको जरा समझे। लेट्स सपोज कि यहां पर आपके पास पावर है 3। ठीक है, 3 आपके पास एक पॉजिटिव
ऑड इंटीजर है, 3 आपके पास एक ऑड नंबर है। जब आप यहाँ x की जगह पर लिमिट अप्लाई करते हो माइनस इंफिनिटी, तो ये आपके पास फिर बन जाएगा माइनस इंफिनिटी की पावर 3। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, तो आंसर माइनस में आता है। और इंफिनिटी की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर इंफिनिटी ही रहना है, ठीक है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी x की पावर n, अगर आप यहाँ पर n को इवन नंबर चूज करते हैं, लेट सपोज आप n ले लेते हैं 4, 4 इज योर इवन नंबर, ठीक है, और आप x की जगह पर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी की पावर 4, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर इवन हो, तो आंसर प्लस में जाता है। और इंफिनिटी की जितनी मर्जी पावर ले ले, आंसर इंफिनिटी ही है, क्योंकि इंफिनिटी आप कहते हो बहुत लार्ज नंबर को, तो इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे और लार्ज नंबर, इंफिनिटी को 4 दफा मल्टीप्लाई करोगे बहुत लार्ज नंबर, तो इंफिनिटी की जितनी मर्जी पावर ले ले, आंसर आपके पास इंफिनिटी ही रहता है। तो ये 3 चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, कि इसका आंसर प्लस इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी होगा, जीरो होगा, कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरह की एमसीक्यूज आपको पेपर में बहुत आते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। माइनस तब आएगा जब ऑड हो, प्लस तब आएगा जब इवन हो, ठीक है। और माइनस प्लस का केस आपके पास तब आता है जब यहाँ आंसर आपका लिमिट माइनस को अप्रोच कर रही है, जब वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो आंसर प्लस इंफिनिटी ही आना है। लेकिन शर्त यह कि n पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर यहां पर मैं आपको कहूं कि n अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी x की पावर n, n मैंने आपको कहा आपको नेगेटिव नंबर है, लेट सपोज n आपके पास है माइनस 4, ठीक है, और यहां पे आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो लिमिट अप्लाई कर दें इन्फिनिटी और ऊपर पावर आपके पास है माइनस 4। अब किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 4। 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 4 का क्या मतलब है? 1 इन्फिनिटी की पावर 4 का मतलब है इन्फिनिटी, किसी चीज के नीचे इन्फिनिटी, आंसर 0, तो फिर आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे आंसर 0, जब आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो आंसर इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स लें, तो आंसर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये भी अब आपको क्या कह रहा है कि जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, तो ई की पावर जब आप इन्फिनिटी लो, आंसर आपके पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और अगर आप एक्स अप्रोच कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी को ई की पावर एक्स पे, तो यहाँ पर जब आप एक्स की जगह पर अपनी लिमिट अप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बन जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब पावर नेगेटिव या पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आओगे, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। अभी आपने पढ़ा कि इन्फिनिटी होता है, और किसी चीज के नीचे इन्फिनिटी, आंसर आपके पास 0। तो जब आपके पास x अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को तो आंसर इन्फिनिटी, x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर 0, ठीक है। उसके बाद अगर लिमिट x अप्रोच करे इन्फिनिटी को 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x हो, तो आंसर ई, यानी कि यहां जो पढ़ा है अगर उसका रेसिप्रोकल आपके पास पावर में है तो आंसर ई। इसी तरह यहां जो पढ़ा है अगर उसका रेसिप्रोकल आपके पास पावर में है तो लिमिट का आंसर ई। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब यहां पर एक्स होता है तो एक्स अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, जब वन ओवर एक्स होगा तो एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है। वो आपको ऐसे भी कह सकता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x, ठीक है। और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हो तो आपने e पे नहीं टिक कर देना, फिर ये गलत है। यहां पर आपके पास इंफिनिटी होगा तो इसकी लिमिट का आंसर e होना है, और यहां पर जीरो होगा तो इसकी लिमिट का आंसर e होना है। नेक्स्ट है आपके पास g of x, आपके पास एक फंक्शन है, f of x भी एक फंक्शन है, h of x भी एक फंक्शन है, लेकिन g of x आपके पास छोटा है f of x है, f of x छोटा है h of x है, ठीक है।
तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो, आपने एफ ऑफ एक्स की अगर लिमिट निकालनी है तो आप क्या करते हो, आप लिमिट देखते हो जी ऑफ एक्स की या आप लिमिट देखते हो एच ऑफ एक्स की। अगर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट सेम है तो आप कहते हो वही आपके फंक्शन की भी लिमिट होगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स की लिमिट अगर आपके पास एल है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स की लिमिट भी आपके पास एल है, तो देखो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट सेम हो रही है, तो फिर आप कहोगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट आपके पास एल है। ठीक है, ये आपके पास सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है। सैंडविच थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वीज थ्योरम और पिंचिंग थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के दो नाम और भी हैं, इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं और इसको पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। उसके बाद लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप यहाँ थीटा की जगह जीरो लगाओगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। इसी तरह जब आप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ जब आप थीटा की जगह जीरो लगाओगे तो कॉस जीरो आपके पास क्या होता है, वन। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर थीटा की जगह पर जीरो लगाओगे साइन जीरो आपके पास जीरो, जब यहाँ आप थीटा की जगह जीरो लगाओगे तो कॉस जीरो आपके पास वन हो जाएगा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा आपके पास वन होता है। अगर वो यहाँ साइन टू थीटा ओवर टू थीटा दे दे तब भी वन, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है अगर उसी से आप डिवाइड भी कर रहे हो तो आपकी इस लिमिट का आंसर होता है वन। उसके बाद ये कुछ आपके पास फॉर्मूलाज हैं कि वन माइनस कॉस टू थीटा हो तो वो टू साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा हो तो ये टू कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद साइन टू थीटा आपके पास इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के, कॉस टू थीटा आपके पास इक्वल होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। ठीक है, कॉस टू थीटा आपके पास इक्वल होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। अ फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस इज टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस। ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस ना हो उसको आप कहते हो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, अगर फंक्शन की वैल्यू ए पर आपको मिले, एफ ऑफ ए डिफाइन हो। डिफाइन होने का मतलब है कि ए रखने से फंक्शन में आपका फंक्शन अनडिफाइन ना हो जाए, यानी कि उसमें इन्फिनिटी ना आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन आपके उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होने का मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और फिर फंक्शन की लिमिट आपके फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज की कितनी टाइप्स होती है, थ्री। कौन कौन सी है? रिमूवेबल, जंप और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, अगर फंक्शन आपको डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, या आप यूं कह लो कि अगर फंक्शन की लिमिट का आंसर आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा तो ये आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन की लिमिट का आंसर फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना आए। फंक्शन की लिमिट का आंसर कैसे निकालेंगे? फंक्शन की लिमिट का आंसर आपके पास सिर्फ तब निकलता है जब आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट सेम हो। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट बिल्कुल सेम आई है तो वही आपके पास फंक्शन की लिमिट होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट सेम हो और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो तो उसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट ही सेम ना हो तो उसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। और आपकी अगर लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट में से किसी का आंसर इन्फिनिटी आ जाए, चाहे प्लस इन्फिनिटी आए चाहे माइनस इन्फिनिटी आए, तो इसको आप कहते हो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट की पॉइंट है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल ए बी। फंक्शन इस पूरे इंटरवल पे कब कंटिन्यूअस होगा? अगर वो इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, आपको वो पूछ सकता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट, और नीचे कह दे ए पर, बी पर, किस पर, तो हर पॉइंट पर। इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल। अगर वो ए और बी इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है फिर आप कहोगे कि फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है। ठीक
ठीक है। अब हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपको उसने कोई भी फंक्शन दे देना है, कोई भी फंक्शन, उससे कहना है इसकी लिमिट बता दें। ये आपको ऑब्जेक्टिव में लाजमी आना है, लाजमी आना है। लिमिट का कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लाजमी आएगा। तो इसमें से वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है और कह सकता है कि इसकी लिमिट बता दें, ठीक है। इसी तरह आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको वो कह सकता है कि इसकी आप लिमिट बता दें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 से 41 इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ उसने ये पूछना है कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो तीन सवाल लिखे हुए हैं इसी के साथ आपकी ये तीन ऑप्शन बन जानी है और चौथी ऑप्शन हो जाएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चार ऑप्शन आपके पास उसने दी होनी है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी लिमिट ऑफ फ्लोर फंक्शन एक्स और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर एक्स, एक्स की पावर 3 और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर एक्स। याद रखें इन दोनों की लिमिट आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करती है अगर एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ये फंक्शन दे दे और वो कहे लिमिट किस पॉइंट पे इसकी एग्जिस्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट इसकी 0 पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो ऐसे भी आपको दे देता है कि ये फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कौन सा पॉइंट है जिसपे लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है, ये भी लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं। कोई भी लिमिट आपको आ सकती है एमसीक्यू में, कोई भी क्वेश्चन की लिमिट आ सकती है आपको। वो पूछ सकता है आंसर प्लस इनफिनिटी है, माइनस इनफिनिटी है, आंसर 2 है, आंसर 1/2 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आंसर आपके पास प्लस इन्फिनिटी कहाँ पर आता है और माइनस इन्फिनिटी कहाँ पर आता है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हम जो है वाइंड अप कर चुके हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक है। क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री पॉइंट थ्री में अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एक क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। 7, 11 और 10, 7, 11, 10 और 14, ये चार क्वेश्चन आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने यही बताना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 बनता है उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ -1 लगा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0, ठीक है। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन जो है वो -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ 2 लगा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब मेरा ये फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ 3 लगा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स ही नहीं है, मैंने तो एक्स की जगह वैल्यूज रखनी होती है ना, यहाँ एक्स ही नहीं है तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है पूरी रियल लाइन आर पर, ठीक है। इसी तरह ये भी डिनोमिनेटर ही नहीं है जब इधर, तो डिनोमिनेटर में 0 आने का भी कोई चांस नहीं है, तो फिर ये भी आपका पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूअस है। तो इस तरह आपने ये चीजें देख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 20, फाइंड ऑल द नंबर्स एट विच एफ इज कंटिन्यूअस। इसमें भी आपने सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं जिसपे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है कि नहीं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और वो ये भी हो सकता है कह दे कि ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है और आपने बताना है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, 0 पर कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है या 3 पर कंटिन्यूअस है। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो बता देता है कि कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है वो आपने बताना है, ठीक है।
इसी तरह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन नंबर 29 और एक क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वो पूछ सकता है कि फंक्शन अगर आपके पास कंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 को भी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ये देखें, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज नॉट डिफाइंड एट, किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। ये वही बात हो गई, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस आपके पास उसी पॉइंट पर होता है जहां आपके फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो कहां पर आएगा, जब यहां आप x की जगह पर जीरो लगा दोगे तो आपके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो आंसर इन्फिनिटी। आंसर इन्फिनिटी इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो फिर किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, जीरो पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो यहाँ डिफाइंड की जगह पर आपको ये भी कह सकता है फंक्शन आपका किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, वो ये भी कह सकता है फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरह उसने कहा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड एट, किस पॉइंट पर आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, वो कौन सा पॉइंट है। देखो, आपने अगर चेक करना है ना किस पॉइंट पर आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है और आपको नहीं पता चल रहा डायरेक्टली, तो आप डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख के देख लो कौन सा वो पॉइंट है जिसपे आपको डिनोमिनेटर जीरो देता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका डिनोमिनेटर है, इसको जीरो के इक्वल रखें और इसको सॉल्व कर ले। तो ये 1 आपका यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जब आप स्क्वेयर रूट लोगे तो इधर भी लोगे और इधर भी लोगे, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो प्लस माइनस 1 वो पॉइंट है आपके पास जिसपे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आप यहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वेयर लो, 1 का स्क्वेयर 1, 1 माइनस 1 करोगे आपके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ माइनस 1 रखो, माइनस 1 का स्क्वेयर 1, 1 माइनस 1 करोगे आपके डिनोमिनेटर में अगेन जीरो। ठीक है, तो फंक्शन आपका जो है वो डिफाइंड नहीं है प्लस माइनस 1 पर। और अगर डायरेक्टली नहीं पता चलता, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ 1 लगा देते हैं, ये 1 और माइनस 1 दोनों पर डिफाइंड नहीं है। तो फिर आप इसको डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख के अपने पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, उसके बाद देखें लिमिट वाले क्वेश्चंस उसने दे दिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 टू एक्स माइनस 3, तो आप लिमिट लगा लें, एक्स की जगह पर 1 लगा लें, 2 वैसे ही एक्स की जगह पर आप लगाएंगे 1, आगे लिखा हुआ है माइनस 3, तो ये 2 वन 2, 2 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2, तो एक्स की जगह पर आप माइनस 2 लगा लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू 4 माइनस 4 होगा, माइनस 4 प्लस 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद वो आपको कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन की लेफ्ट लिमिट का आंसर 1 है और फंक्शन की राइट लिमिट का आंसर भी 1 है, तो फिर फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या होगा। जो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर है वही आपके पास फंक्शन की लिमिट का आंसर नहीं होता। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आ रहा है तो आप कहते हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही आपके पास फंक्शन की लिमिट है। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप कहते हो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, उसके बाद देखें ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसने कहा इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट का आंसर बता दें। तो लेफ्ट लिमिट के लिए आप फंक्शन कौन सा चूज करोगे, ये वाला कि ये वाला। तो आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट लिमिट देख रहे हो तो आपने देखना है एक्स लेस देन 2 कहां लिखा है, जब आप राइट लिमिट देखोगे तो आप देखोगे एक्स ग्रेटर देन 2 कहां लिखा है। ठीक है, तो एक्स लेस देन 2 आपके पास ये लिखा हुआ है, तो लेफ्ट लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, आप एक्स का स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन यूज करोगे, और यहां पर जब आप एक्स की जगह लिमिट अप्लाई करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3।
नेक्स्ट आपके पास सेवन है, सेवन देखें आपके पास क्या है। उसने कहा फंक्शन आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, यानी कि राइट लिमिट का आपने बताना है इसकी आंसर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अप्रोच किसको करना है, वन को। यहां आपके पास वन है, यहां आपके पास जीरो है, ठीक है, यहां आपके पास वन है, यहां आपके पास टू है। जब आप राइट साइड से ऊपर प्लस लिखा है ना, इसका मतलब है राइट लिमिट निकालनी। जब आप राइट लिमिट राइट साइड से वन को अप्रोच कर रहे हो तो वन के करीब करीब वैल्यूज कौन सी हैं, 1.1, 1.01, 1.001 और 1.0001, ठीक है, यही है ना वन के करीब करीब वैल्यूज। राइट साइड से अगर आप वन को अप्रोच करते हो तो आपके पास वन के करीब वैल्यू 1.1 है, और करीब आओगे तो 1.01 है, और करीब आओगे तो 1.001 है, ठीक है। अब आप ये एक एक करके यहां लगाएं, जब आप यहां 1.1 लगाएंगे आंसर 0.1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। जब आप यहां 1.01 लगाएंगे आंसर आपके पास 0.01 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। जब आप 1.001 लगाओगे तो आंसर आपके पास 0.001 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट अगर आपने चेक करनी है तो हम कैसे चेक करते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन जैसे जैसे मेरा x अप्रोच कर रहा है 1 को, वैसे वैसे मेरे फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो मेरे फंक्शन की लिमिट है। जैसे जैसे मेरा x अप्रोच कर रहा है 1 को, जैसे जैसे मेरा x अप्रोच कर रहा है 1 को, वैसे वैसे मेरे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो मेरे फंक्शन की लिमिट है। तो इसका आंसर ये सारे किसके करीब करीब आ रहे हैं, ये जीरो के करीब करीब आ रहे हैं, तो फिर आपकी फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या है, जीरो है, ठीक है। और याद रखो जब आप लेफ्ट लिमिट निकालते तो लेफ्ट लिमिट में हमेशा वन से छोटे नंबर आने थे, और जब आप यहां वन से छोटा नंबर रखोगे तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यहां वो माइनस वन लगा दे तो आपने फिर कहना है लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अब उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को लेफ्ट साइड से और आपने वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को लेफ्ट साइड से और आपने वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो पहले लेफ्ट साइड से जरा इसको अप्रोच तो कराएं। जीरो को अप्रोच करना है अब लेफ्ट साइड से, जीरो के इधर आपके पास माइनस वन है और जीरो के इधर आपके पास वन है। जब आप लेफ्ट साइड से जीरो के करीब आ रहे हो तो लेफ्ट साइड से जीरो के करीब है -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9, फिर -1 आता है। तो जीरो के सबसे करीब नंबर कौन सा है, -0.1 है, ठीक है, -0.1 है लेफ्ट साइड से जीरो के करीब। और अगर आप करीब आना चाहते हो तो आप इसको कह लो -0.01, और करीब आना चाहते हो जीरो के तो आप कह दो कि 0.001, ठीक है। अब जब आप यहां एक्स की जगह पर लगाओगे, यहां लिख देती हूं मैं, जब आप एक्स की जगह पर लगाओगे -0.1 तो आंसर आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है। जब आप यहां एक्स की जगह पर लगाओगे -0.01 अगर लगाओगे तो आंसर आपके पास आएगा -100। पहले आ रहा था -10,
फिर आपने देखा -100 आएगा, फिर जब आप 0.001 लगाओगे तो फिर आंसर आपके पास -1000 आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आपका x जीरो को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे आपके फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, ये तो बढ़ती जा रही है और नेगेटिव साइड से बढ़ रही है, तो ये अप्रोच कर रही है माइनस इंफिनिटी को। जैसे जैसे आपका x जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी को। तो आपके पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है माइनस इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड x माइनस 2। जब आपका x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, यहां पर आपके पास 2 है, यहां पर आपके पास 1 होता है, यहां 3 होता है। जब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यहां 1 है यहां 2 है, तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, फिर 1.9। तो 2 के लेफ्ट साइड पे सबसे करीब वैल्यू 1.9 है, और 2 के करीब जाना चाहते हैं तो 1.99, और करीब आना चाहते हैं तो 1.999। ठीक है, तो ये वो लिमिट वैल्यूज हैं, जैसे जैसे आपका x अप्रोच करेगा 2 को वैसे वैसे आपका फंक्शन जिसको अप्रोच करता है वो फंक्शन की लिमिट होती है। तो यहां जब आप x की जगह पर 1.9 लगाओगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आ जाएगा, आयोटा में आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह 1.99 लगाओगे आंसर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा हो तो आपके तो इमेजिनरी आंसर्स आने लग जाते हैं, और अगर आपके इमेजिनरी आंसर्स आने लग जाते हैं तो फिर आप कहते हो कि इसकी लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा है कि इसमें से कौन सी लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। देखो जब आप राइट लिमिट निकालोगे ना, आप कहोगे x अप्रोच कर रहा है 3 को पॉजिटिव साइड से, तो जब भी आप पॉजिटिव साइड से अपने नंबर को अप्रोच कर रहे हो तो नंबर हमेशा इस 3 से बड़ा ही होना है। तो जब यहां आप 3 से बड़ा नंबर रखोगे तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह जब आप यहां पर पॉजिटिव x लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड लिखा है, जब आप यहाँ 3 को अप्रोच करोगे राइट साइड से, देखो जब भी आप किसी नंबर को राइट साइड से अप्रोच करते हो, यहाँ 3 है, 3 को जब आप इधर से अप्रोच करोगे तो यहाँ नंबर हमेशा 3 से बड़े हैं, चाहे आपके पास 3.1 ही पड़ा है। ठीक है, तो नंबर हमेशा आपके पास यहाँ पर 3 से बड़ा ही आएगा। तो जब आप यहाँ पर 3 से बड़ा नंबर रखोगे, 3.1 का स्क्वेयर लोगे, तो आंसर भी 9 से बड़ा ही आएगा। तो स्क्वेयर रूट के अंदर फिर आयोटा आने का तो कोई चांस नहीं है, इसका मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी, इसकी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आप ये देखो, अब उसने लेफ्ट साइड से कहा, ठीक है, अब उसने क्या कहा है, लेफ्ट साइड से कहा। तो जब आप लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करते हो तो नंबर तो 3 से छोटा आएगा। ठीक है, लेट सपोज आपके पास 3 से छोटा 2.9 है, ठीक है, 2.9 है या फिर 2.99 है या फिर 2.999 है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वेयर लोगे, जब आप इसका स्क्वेयर लोगे तो आंसर 9 से छोटा आएगा। ठीक है, आप लेके देख लो, 2.999 का स्क्वेयर लेके देख लो, आंसर आपके पास 9 से छोटा आएगा। तो जब आपके पास 9 से छोटा आंसर आ रहा है तो आपके पास स्क्वेयर रूट के अंदर आयोटा आ जाएगा, तो फिर इसकी लिमिट भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती और इसकी लिमिट भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ रही है तो फिर इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो सेलेक्ट आपने वो करना है जिसके ऊपर स्केयर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केयर के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है कि जब आपके पास ऊपर स्केयर आ रहा है ना, तो आप चाहे लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट साइड से आओ, वो स्केयर ने आपकी वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। और जब आप पॉजिटिव रखोगे यहां पर, पॉजिटिव नंबर रखोगे, पॉजिटिव नंबर का स्केयर लोगे, आंसर अगेन पॉजिटिव नंबर आएगा। तो उसमें से अगर आप कुछ माइनस करो तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ये एक बस कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हालांकि इसका आंसर भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो प्रेफर है, किसी एक को प्रेफर करना है ना, तो फिर स्क्वायर के बगैर वाली टर्म को प्रेफर करते हैं।
लेकिन अगर ये ऑप्शन मौजूद ना हो तो फिर आप इसको टिक करेंगे क्योंकि इसकी लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच वन हैज लिमिट। अभी आपको बता दिया कि जब आपके पास लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हो तो नंबर हमेशा वन से छोटा आएगा, जब यहाँ वन से छोटा नंबर रखोगे तो आंसर आयोटा में आना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मॉड वाले में आपको पता है एक आपके पास लिमिट प्लस वन आती है, एक माइनस वन आती है। इसे अब लेफ्ट राइट का जिक्र नहीं किया, लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट इक्वल हो। अब जब मैं लेफ्ट लूंगी आंसर वन आ जाना है, राइट लूंगी आंसर, लेफ्ट लूंगी आंसर माइनस वन आ जाएगा, राइट लूंगी आंसर वन आ जाएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आती। ठीक है, बाकी अगर आप ये दोनों देखो तो इन दोनों की लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है, इसकी भी एग्जिस्ट करती है, इसकी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जब आप राइट साइड से वन को अप्रोच कर रहे हो तो नंबर यहाँ हमेशा वन से बड़ा आएगा, जब वन से बड़े नंबर आप यहाँ रखोगे तो इसकी लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह जब आप यहाँ पर वन से बड़ा नंबर रखोगे तो आंसर में कभी आयोटा नहीं आएगा, तो लिमिट आपके पास इसकी भी एग्जिस्ट करेगी। तो दोनों की आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ एक्स की जगह पर आप माइनस थ्री लगाओ, माइनस थ्री टू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस फोर करेंगे आपके पास माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिमिट लगा दें, माइन टू लगाना है, तो जब यहाँ टू लगाओगे तो टू का स्क्वेयर आपके पास फोर, यहां पर जब टू लगाओगे तो टू इंटू टू आपके पास फोर, और आगे आपके पास लिखा हुआ है प्लस एट। तो फोर प्लस फोर एट, एट एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट लोगे जब आप तो आपके पास आ जाएगा फोर। ठीक है, उसके बाद है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू। देखें जब आप यहां माइनस टू लगाएंगे, नीचे भी आप एक्स की जगह माइनस टू लगाएंगे, ठीक है, और आगे आपके पास लिखा है प्लस टू, तो इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास माइनस टू है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस टू आपके पास फोर हो जाएगा, इसकी आप कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, याद रखें, अब आप सोच रहे होंगे यहां मैंने माइनस लगाया है, यहां मैं माइनस नहीं लगाती, तो ये ऊपर माइनस आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो अपने इस नंबर टू के करीब, लेकिन जो इधर माइनस है ये आपको बता रहा है कि आपका एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है, तो इसका आंसर आपके पास माइनस वन ओवर टू आएगा। नेक्स्ट, ये आपको मैंने की पॉइंट अभी पढ़ाया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एक्स अगर आपके पास लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी अगर आपके पास लिखा है तो यहाँ पर जब आप लिमिट लगाते हो आपके पास आंसर जीरो आता है। ये की पॉइंट आप पढ़कर आए हैं कि अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो तो भी आंसर जीरो है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो तो भी आंसर जीरो है, क्योंकि किसी चीज के नीचे इन्फिनिटी आंसर जीरो देता है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो। उसके बाद है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी वन ओवर एक्स प्लस थ्री। तो आप सिंपली लिमिट लगा दो, जब यहाँ आप एक्स की जगह पर इन्फिनिटी लगाओगे, आगे लिखा है प्लस थ्री, तो वन ओवर इन्फिनिटी तो जीरो हो जाना है, जीरो प्लस थ्री करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स प्लस वन। तो लिमिट लगा दें एक्स की जगह पर माइनस इन्फिनिटी लगाएं प्लस वन, तो जब माइनस इन्फिनिटी में से आप कुछ निकालेंगे आंसर अगेन माइनस इन्फिनिटी रहना है। क्यों, माइनस इन्फिनिटी का मतलब है नेगेटिव बहुत बड़ी वैल्यू। लेट सपोज आप कह लो कि ये वन लैक है, ठीक है, वन लाख में से अगर आप वन ऐड भी कर देते हो, इसमें नेगेटिव वन लाख में वन ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आनी है, माइनस 99,000 आ जाएगी ना, बल्कि माइनस 99,999 आएगी, तो वैल्यू तो नेगेटिव में ही रहेगी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट करो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए।
उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स लें तो आंसर इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स लें तो आंसर जीरो। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस टू एक्स ओवर वन ओवर एक्स, इसका आंसर बताना है। तो अगर आपको याद हो तो अभी मैं आपको की पॉइंट्स में बताकर आई हूं कि जो यहां लिखा है अगर उसी का रेसिप्रोकल पावर में हो जाए तो आंसर ई। ठीक है, तो रेसिप्रोकल 2x ओवर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर 2x, 2x ओवर 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर 2x। मेरे पास 1 ओवर x तो लिखा 2 मिसिंग है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, मैंने 2 से डिवाइड भी कर देना है। फिर मैं लिखूंगी 1 प्लस 2x और ये 1 और 2x जो है वो मैं लिमिट के अंदर ले जाऊंगी यहां पर, और बाहर मेरे पास रह जाएगा 2 ये वाला। ठीक है, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 1 ओवर 2x को मैं अंदर ले गई, ये वाला 2 जो है वो मेरे पास बाहर रह गया। और जब मैं यहां लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो अब आप देखो जो यहां है उसी का रेसिप्रोकल आपके पास यहां भी आ रहा है, तो ये सारी चीज आपके पास बन जाएगी e, और ऊपर ये स्क्वायर है तो ये आपके पास e का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे 0 लगा दें। जब यहां आप थीटा की जगह पे 0 लगाओगे तो 2 इंटू 0 0 और कॉस 0 आपके पास क्या होता है 1। ठीक है, उसके बाद है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा, तो ये भी आपको मैंने रिजल्ट बताया कि जो एंगल आपके पास ऊपर लिखा है वही नीचे होना चाहिए, तो नीचे 7 मिस है, इसका मतलब 7 से आप डिवाइड भी कर दें और 7 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें। अब ये वाली सारी चीज आपके पास लिमिट अप्लाई होने के बाद आपको आंसर देती है 1, और आगे 7 लिखा है तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 7। आगे देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेन एक्स ओवर एक्स, इसको देखें कैसे सॉल्व करना है। आपके पास लिखा है टेन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, तो टेन मेरे पास होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और नीचे जो एक्स लिखा उसको एज इट इज लिखा रहने दे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा है जी साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, साइन एक्स ओवर एक्स, और इस कॉस एक्स को मैंने लिख लिया 1 ओवर कॉस एक्स। ठीक है, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जब इसके ऊपर लगाओगे आंसर 1, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इसके ऊपर लगाओगे तो x की जगह पर जब आप 0 लगाओगे cos 0 1 हो जाएगा, 1 ओवर 1 आपके पास 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 इंटू 1 आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x, तो इस x को आप नीचे ले आए। अगर ऐसे नहीं समझ आती तो आप यूं देख लो कि साइन साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर मेरे पास होता है 1, साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर होता है 1, तो एक्स ओवर साइन एक्स का आंसर भी फिर क्या होता है मेरे पास 1 ही होता है। ठीक है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी की तीन टाइप्स ही, इनफाइनाइट जंप और रिमूवेबल, तो फिर एक्सपोनेंशियल डिसकंटिन्यूटी तो कोई नहीं होती, तो फिर ये है जो आपके पास डिसकंटिन्यूटी की कोई भी टाइप नहीं है। ये वाला बाद में करते हैं, पहले ये देख लें यहां जो लिखा है, यहां 1 ओवर x लिखा है, इसका रेसिप्रोकल पावर में पड़ा है, पड़ा है ना, 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होता है x ओवर 1, तो x के नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है तो आंसर e। ठीक है, अब आप ये देखें साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन x इंटू साइन x, ठीक है, और नीचे मेरे पास x है। अब जब मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसके ऊपर भी लगनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसके ऊपर भी लगनी है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगी तो जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, तो इसका आंसर तो 1 है,
लेकिन जब यहाँ x की जगह पर 0 लगाऊंगी तो साइन 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो 1 इंटू 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 28 और 29। 28 है जी आपके पास साइन ए थीटा। अब इसके नीचे मुझे ए थीटा चाहिए तभी मेरी लिमिट का आंसर 1 होगा, तो ए थीटा से मैंने डिवाइड भी कर दिया, ए थीटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहां पर नीचे लिखा है साइन बी थीटा, तो साइन बी थीटा के नीचे भी मुझे बी थीटा भी चाहिए, तो बी थीटा से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया और बी थीटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब लिमिट मैंने अपने न्यूमिरेटर पे भी लगानी है, लिमिट मैंने अपने डिनोमिनेटर पे भी लगानी है। ठीक है, थीटा मेरा ये थीटा इस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जब लिमिट लगाऊंगी इसका आंसर 1 और आगे लिखा हुआ है ए, यहां पर जब लिमिट लगाऊंगी इसका आंसर 1 और आगे लिखा है बी, तो ओवर में मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू बी, तो ए वन जार ए और बी वन जार बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर बी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ए भी लिखा है, यहाँ उसने 2 3 लिख दिया, तो इसका आंसर ए ओवर बी आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक हो गया, तो ये थे जी आपके पास कुछ की पॉइंट्स आपके एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 3 के, और कुछ आपने एमसीक्यूज देखे चैप्टर नंबर 3 के, कुछ आपको जी हमने एक्सरसाइज में से भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता दी हैं। होप्स हो कि अब आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह बेस्ट होगा, ट्राई और बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।